पिछले एपिसोड में सिराब खान को किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, लेकिन वो अभी अपने बारे में रिवील करने के लिए रेडी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिराब खान को अपने सामने बहुत सारे टेल्स दिखाई देने लगते हैं, इसलिए वो फिर से उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन इस पर वो आवाज़ कहने लगते है कि लिटिल मंकी ने तो सच में अपने थर्ड आई को ओपन कर लिया है, लेकिन इसके साथ में रेड लाइट भी अपीयर हुई है, जिसका सीधा मतलब है कि वो इविल फोर्स से इन्फ्लुएंस हो गया है और इसलिए आने वाले समय में वह केवल ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर लिटिल मंकी भी इस पर गुस्सा होने है, जिसे देख वो आवाज कहने लगती है कि क्या तुम भी मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि हम दोनों ही नेचुरल स्पिरिचुअल क्रिएचर हैं, इसलिए हमें इंसानी दुनिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सिराब खान इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर तुमने अभी भी खुद को मेरे सामने रिवील नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम ना करना। तब इस पर वो आवाज कहने लगती है कि तुम तो फेंसियांग वैली के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गए और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ओल्ड मैन मर गया। फिर वो कहने लगती है कि भले ही वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने 8 ब्लैक फ्लेम फॉर्मेशन को पास कर लिया है और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन फिर अचानक से वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारे पास में कितनी भी अच्छी एबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी उस ओल्ड मैन के अलावा केवल ब्लैक फ्लेम मिरर ही एक ऐसी चीज है जो कि ब्लैक फ्लेम अवतार के थर्ड लेयर को ओपन कर सकती है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो काफी अग्रेसिव होने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास में जरूरी ब्लैक फ्लेम मिरर होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सिराब खान के सामने भी आ जाती है, जिसे देखते ही सिराब खान कहने लगता है कि यह तो नाइन टेल स्काई फॉक्स है। तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स अपने पावर का यूज करके अटैक करती है, जिससे तक सिराब खान अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके आइस पावर में फंस गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉक्स सीधे सिराब खान के सामने आ जाती है और इससे पूछने लगते है कि तुम्हारे पास में ब्लैक फ्लेम मीटर क्यों है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और पूछने लगते है कि सियावलियू कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी डर कर तुरंत वहाँ से साइड हो जाता है और वो फॉक्स सिराब खान से पूछने लगते है कि तुमने सियावलियू के साथ में क्या किया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिराब खान इसके बाद का कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो फॉक्स अब गुस्से में आकर इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिराब खान भी अपने पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से वो इसके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फॉक्स भी इससे कम नहीं होती और वो तुरंत ही अपने किसी पावर का यूज करके वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिराब खान को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो केवल इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फॉक्स अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगती है, जिससे देख अब सिराब खान भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो फॉक्स अभी भी केवल ब्लैक फ्लेम मीटर के बारे में जानना चाहती थी और इसलिए वो इससे पूछने लगती है कि ब्लैक फ्लेम मीटर तुम्हारे पास में क्यों है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सिराब खान उसे इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता और वो केवल अपने पावर का यूज करके यहाँ की स्मोक को खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फॉक्स असल में किसी चेन में बंधी हुई है और सिराब खान उससे कहने लगता है कि तुम जिस सियावलियू के बारे में बात कर रही हो, क्या वो असल में सिक्स टेल वाला डिमन फॉक्स है। तब यह सुनते वो फॉक्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिराब खान ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था और फिर वो भी अपने फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि फॉक्स ने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से सिराब खान का अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी सिराब खान को इसके पैर में लगी हुई चेन नजर आती है, जिससे देख वो इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो फॉक्स अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए अब सिराब खान भी अपने पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से वो फॉक्स के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो फॉक्स इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती, बल्कि वो सिराब खान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिराब खान ने इसका अटैक से किसी तरह से बचा लिया था और अब उसके बॉडी पर दो विंग भी आ गए होते हैं। तभी इससे भी हम देखते हैं कि सिराब खान का विंग जैसे ही सेंस से कनेक्ट होता है, तब अचानक से इसमें की पावर एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए सिराब खान समझ जाता है कि यह चेन डिमन क्रिएचर के इविल पावर को रोक सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिराब खान फिर से फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फॉक्स ने इस बार भी उसे रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिराब खान अपने पावर का यूज करके यहाँ के चेन को कंट्रोल करने लगता है और अब इस तरह से उसने फॉक्स को और भी बुरे तरीके से जकड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सिराब खान के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वहीं सिराब खान अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फिश मॉन्स्टर भी काफी गुस्सा होने लगे थे और कहने लगते हैं कि हमें किलर को हैंड ओवर करो। तभी इससे भी हम देखते हैं कि तीन लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह देखते ही सिंगवान ने अपने आइस पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और उस तरह से मास्टर सिंगवान ने इनको बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। लेकिन तभी मास्टर सिंगवान देखता है कि इनकी आंखें कुछ अजीब हैं और इसलिए वो समझ जाता है कि इनके ऊपर इल्यूजन मैजिक का यूज किया गया है। अब इसके वजह से इनको पता चल गया था कि असल में हेवान सेक्टर का काम है और वे कहने लगता है कि क्या वे मैजिक का यूज करके वैली के डिसाइपल को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी मिस यान कहने लगती है कि कहीं इसी तरह से इन्होंने फिश मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करवाया होगा। लेकिन तभी इस पर मास्टर सिंगवान कहने लगता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं
आए, क्योंकि इनके ऊपर पहले जो अटैक हुआ उसमें कोई गहरा निशान नहीं था, लेकिन असल में इनके इंजरी के ऊपर पर्पल कलर का निशान है और उस पूरी दुनिया में केवल पर्पल लाइट स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन है जो कि ऐसा इंजरी दे सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिस वास्ता हैरान हो गया था और वो समझ जाता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जिन है। लेकिन तभी मास्टर लू कहने लगता है कि ये तीनों तो केवल इल्यूजन मैजिक की वजह से भाग रहे थे और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि असली किलर यहीं पर है। मगर तभी हम देखते हैं कि वह फिश मास्टर इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगता है कि अगर किलर को हमें हैंड ओवर नहीं किया गया तो फिर हम तुम्हारे ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी काफी डर गए थे और इसीलिए एक लड़का मास्टर सिंगवान के पास आकर उसे इसके बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि ली और बाकी लोग भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और वे कहने लगता है कि ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे फिश मास्टर इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे और कहने लगता है कि हमें अपना बदला चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम उसी डिमन फॉक्स को देखते हैं जिसके ऊपर अटैक करने से सियाओफा ने अपने आप को रोक लिया था और इसीलिए वो डिमन फॉक्स उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओफा ने इसके बारे में उसे कोई जवाब नहीं देता और तभी लिटिल मंकी भी इसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सियाओफा इसके पास आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो इससे पूछने लगता है कि तुम जिस सियाओलियो के बारे में बात कर रही थी क्या वो असल में सिक्स टेल वाला डिमन फॉक्स है। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहती है कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तब सियाओफा ने बताता है कि वह तो बहुत पहले ही मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर डिमन फॉक्स और भी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर उससे पूछने लगती है कि वो कैसे मर गया। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सियाओफा भी इसके बारे में बात करते हुए काफी उदास हो गया था और फिर बताने लगता है कि 10 साल पहले मेरे और मेरे एक फ्रेंड ने सुना कि सियाओची टाउन में कोई परेशानी है और इसलिए हम वहाँ पर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे जहाँ पर आखिर में वो थ्री टेल वाले फॉक्स के गोद में मर गया। इसीलिए सियाओफा ने बताता है कि ये ब्लैक फ्लेम मिरर मुझे कहीं और से नहीं मिला है बल्कि इसे उसी ने मुझे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो डिमन फॉक्स और भी ज्यादा उदास हो जाती है और हमें पता चलता है कि सियाओलुई असल में इसका बेटा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसके बारे में याद करके और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी सियाओफा ने बता देता है कि तुम्हारे बेटे की मौत मुझसे ही रिलेटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिमन फॉक्स अपने आप को नहीं संभाल पाती और वो तुरंत ही वहाँ पर उदास होकर नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उधर सियाओफान भी इस बात से काफी उदास हो गया था और वो डिमन फॉक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपना बदला लेने के लिए मुझे मार सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि डिमन फॉक्स इससे कुछ भी नहीं कहती और वो अपने बेटे के बारे में याद करके काफी रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सियाओफान यहाँ के दीवारों पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब काफी कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता तब इस बात से वो काफी निराश हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी इविल पावर भी एक्टिवेट होने लगती है जिसके वजह से इसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी डिमन फॉक्स उससे पूछने लगती है क्या तुम ब्लैक फ्लेम फॉर्मेशन को सीखने के लिए आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान इस पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहती है कि इसका अवशेष यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं लेकिन असल में फेंसियांग बेली ने मुझे कैद करने के लिए यहाँ पर जेल बना दिया। और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी बात करने के बाद शांत हो जाती है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सियाओफान का इविल ऑरा शांत हो गया था और इसलिए वो लिटिल मंकी को लेकर अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी डिमन फॉक्स की तरफ लगातार देखने लगता है और वो इसे ऐसे कंडीशन में देखकर काफी उदास हो गया था। तब इसे देख सियाओफान डिमन फॉक्स से पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे आजाद करा सकता हूँ। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहने लगते है कि क्या सच में तुम मुझे आजाद कराना चाहते हो क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लैक फ्लेम चेन के द्वारा कैद करके रखा गया है और इसीलिए मैं दिनों रात यहाँ पर काफी सफर करती हूँ। फिर वो सियाओफान से कहने लगती है कि अगर तुमने ब्लैक फ्लेम मिरर को एक्सटर्नल तार के ऊपर रख दिया तब इसके वजह से वो चेन में से फायर पावर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेगा और अगर ऐसा हो गया तो यह जगह मुझे आजाद होने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओफान अभी इस बात का उससे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद डिमन फॉक्स उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें ब्लैक फ्लेम मिरर के बारे में चिंता है तो फिर तुम इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था जिससे तक अब डिमन फॉक्स भी इस बात से हैरान हो जाती है। और वहीं अब हम देखते हैं कि सियाओफान बिना किसी चीज के बारे में चिंता किए स्टोन अल्तार की तरफ जाने लगता है। तब इससे देख वो डिमन फॉक्स उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे आजाद क्यों कराना चाहते हो। जिसके बाद सियाओफान कहने लगता है कि आज से 10 साल पहले मैंने ही उनको लावा के ऊपर छोड़ दिया था और इसीलिए वे मेरे आंखों के सामने जेड डायनेस्टी फॉर्मेशन में चले गए थे। तभी हम देखते हैं कि स्टोन अल्तार की तरफ जाते हुए सियाओफान को काफी परेशानी हो रही थी लेकिन इसके बाद भी उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन फॉक्स को इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भी दिल में कोई परेशानी हो। तभी इससे भी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी सियाओफान के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था जिससे तक डिमन फॉक्स कहने लगती है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल इंसाइट तो अभी अभी ओपन हुआ है लेकिन इसके बाद भी तुम इंसानी दुनिया के फीलिंग के बारे में कैसे समझ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे 300 साल पहले की कहानी बताने लगती है जहां पर इसका फॉक्स डिमन क्लैन ने फेंसियांग वैली से ब्लैक फ्लेम मिरर को ले लिया था लेकिन इसके वजह से फेंसियांग वैली के लोगों ने इसके क्लैन के सारे मेंबर को इंजर्ड करके उनको मार दिया जबकि उनमें से केवल सियाओलियो बचकर वहां से भाग पाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओफान स्टोन अल्तार के सामने चला गया था जहां पर कि वो ब्लैक फ्लेम मिरर को इसमें रख देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा पावर जनरेट होने लगती है और इस तरह से वो यहां के फायर पावर को एब्जॉर्ब करने लगता
का है, जिसका बाद हम देखते हैं कि डीमन फॉक्स भी अपने आप को आजाद कराने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही इसके लिए पूरी कोशिश भी करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ देर में चेन को तोड़ दिया था और इस तरह से वो यहाँ से खुद को आजाद कराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के पावर चारों तरफ काफी तेजी से फैलने लगती है, इसलिए मास्टर सिंगवान और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया था और फिर हम देखते हैं कि वो सभी तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से सियाफन काफी परेशान हो गया था और वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि सियाफन यहाँ से डीमन फॉक्स को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना।